हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी क्लास सिक्स की एमसीक्यूज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट थ्री है चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सो बिना टाइम वेस्ट करे आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से 24th क्वेश्चन कह रहा है, इन 4:7 प्रपोर्शनेट है 16:28 के, तो 7 और 16 आर कॉल्ड। तो भाई याद रखना, एक सीक्वेंस अगर हो जैसे कि 4:7, फिर ये प्रपोर्शन में है 16:28 के, ठीक है। ए बी सी और डी, ये चार नंबर्स हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों बीच वाले टर्म्स को मिडिल टर्म्स कहते हैं, ठीक है, बी और सी वाले टर्म को। तो ये पूछ रहा है 7 और 16 को क्या कहेंगे, तो मिडिल टर्म कहेंगे। और ये जो साइड में कॉर्नर वाली टर्म है, इनको एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। एक्सट्रीम कॉर्नर्स में है ना ये, तो एक्सट्रीम टर्म्स इनको कहते हैं, ठीक है। और इनको कहते हैं मिडिल टर्म्स, मिडिल, राइट। सो आपका बी पार्ट जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई वाई जेड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो एक्स इज टू वाई प्रोपोर्शनेट है वाई इज टू जेड के, ठीक है। चार नंबर्स हैं। अब देखो सेंटर वाला जो मिडिल टर्म है वो रिपीट हो रहा है, यानी वाई सेम है, राइट। इस सिचुएशन में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो y है, बीच के जो टर्म है, y का स्क्वायर कर दोगे तो वो x और z के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। कैसे होता है देखो, हमें पता है ये a टर्म है, ये b है, और ये c और ये d, ठीक है। तो a अपॉन b होता है c अपॉन d के इक्वल, राइट। तो a मतलब x अपॉन b मतलब y, c मतलब भी y, और d मतलब होता है z, इस क्वेश्चन के हिसाब से, राइट। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू जेड हो जाएगा। तो आ गई ना वही बात, यही चीज़ तो हमें लिखी हुई मिली है ऑप्शन नंबर b में। सो b पार्ट आपका सही जवाब है कि अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस है, प्रपोर्शन में है कुछ भी टर्म्स, तो ये बात सच है कि y स्क्वायर इक्वल होगा x और z के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन अ क्लास देयर आर 25 बॉयज एंड 35 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज। तो भाई बॉयज पहले बताना है, गर्ल्स बाद में बताना है। गर्ल्स है, बॉयज है 35, गर्ल्स है 25, पांच की टेबल से काट दो, 7:5। अच्छा बॉयज पहले लिखना था ना, मैंने गलत थोड़ा सा गलती कर दी है। बॉयज़ हैं 25 एक्चुअल में, गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का रेशियो था, बॉयज़ इज़ 25, गर्ल्स इज़ 35, कैंसिल करो, 5:7 आएगा, 7:5 नहीं। देखो ये कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर मैंने ये लिख दिया तो, ठीक है। तो बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज़ हैं 25, गर्ल्स हैं 35, काट दोगे, 5:7 आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 8, 18, 18 एंड x आर इन प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 8, 18, 18 एंड x प्रपोर्शन में है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसको a मानो, इसको b, इसको c, इसको d। a अपॉन b इक्वल होता है c अपॉन d के, तो 8/18 इक्वल होगा 18/x के। तो 8 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x इक्वल्स टू 18×8, x यहीं पे छोड़ो, 8 उधर चला जाएगा, 18/8 अपॉन 8। सो ये 8 से 8 कैंसिल, इट इज़ 18, नहीं मैंने कुछ गलती की है गेस, एक सेकेंड रुकना, हाँ गलती हुई है, 18×18 है, आई एम सो सॉरी, 18×18 है डिवाइडेड बाय 8, राइट। सो ए अब ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे बच्चे, 18×18 है, ठीक है। सो 18×18 डिवाइडेड बाय 8 कैंसिल करेंगे, ये होगा आपका 9 और ये होगा 4, फिर दोबारा 9 और ये होगा आपका 2, और ये हो जाएगा 9×9 इज 81/2, विच इज पॉइंट में अगर मैं डिवाइड करूँ तो 40.5 आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझसे भी गलती हो जाती है, ये भी 18 था और ये भी 18 था, सो 18×18 इस तरह से 40.5 इसका सही आंसर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6:4 इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4 किसके बराबर है. उसको कैंसिल करके देख लो, ये कैंसिल होगा 2 की टेबल से 3:2, तो 3:2 का मतलब है ए पार्ट. ठीक है, ये इसका रेशियो जो है दोनों का बराबर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ 81:108. तो 81:108 का रेशियो निकालना है. 81 को डिवाइड करो 108 के साथ, दोनों ही किस टेबल में आते हैं. सबसे पहले तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 है, इवन नंबर होना चाहिए, तो 3 से छोटे नंबर से कट करो, गलती होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं. तो 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 6 18. फिर से आगे, फिर से मुझे दिख रहा है 3 से कटेगा, तो 3 9 27, 3 12 36. फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9 एंड 3 4 12. अब नहीं कट रहा है, तो 3:4 इसका सही आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द पैक ऑफ 10 पेन्स कॉस्ट ₹25, 10 पेन की जो कॉस्ट है वो है ₹25, तो आपको 36 पेन की कॉस्ट बतानी है. इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. सबसे पहले एक पेन की कॉस्ट निकालो. 10 पेन ₹25 की है, तो एक पेन कितना होगा 25/10 का. ठीक है, कट नहीं करेंगे अभी, यहीं छोड़ देते हैं. तो 36 पेन कितने के होंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बहुत बार कर चुके हैं बहुत सारी वीडियोस में यूनिटरी मेथड को. 36 पेन कितने के होंगे, 25/10 × 36, राइट. इसको बस सॉल्व करना है, तो ये जाएगा आपका 5 से, 5 5 is 25, 5 2 is 10, देन 2 से 18, 18 × 5 is 90, तो ₹90 का होगा आपका 36 पेन, विच इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है इफ 49, 35, x and 25 आर इन प्रपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 49, 35 प्रपोर्शन में है x और 25 के साथ, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. तो ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ और ये d हुआ. a अपॉन b होता है c/d के बराबर, अगर जो है चारों नंबर्स प्रपोर्शन में है तो. सो a है 49, b है आपका 35, c है x और d है 25. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 49 × 25/35 = x. इसको सॉल्व करो, 25 और 35 कट जाएगा, 5 और 7 से, 7 और 7 से 7 से, 7 × 5 is 35. तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 35, विच इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 60 मिनट्स, एक घंटे का रेशियो 60 मिनट के साथ बताओ. भाई देखो कितना इजी क्वेश्चन है. अब ये मिनट है, ये आर है, पहले तो दोनों को मिनट में कर लो या दोनों को आर में कर लो, तो इसको मैं मिनट में बनाती हूँ. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो एक घंटे की जगह मैं 60 मिनट्स लिख देती हूँ. इसका रेशो बताना है 60 मिनट्स के साथ ही, 60 मिनट 60 मिनट, यानी कैंसिल हो गए, 1:1 आएगा, राइट, सेम ही है दोनों. तो सी पार्ट इसका सही जवाब है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रपोर्शन, इनमें से कौन सा जो है प्रपोर्शन में है, कैसे चेक करोगे. फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 3:27, फिर रेशो 9:9, इनको कैंसिल करो, ये आएगा 1:9, ये आएगा 1:1, ये तो बिल्कुल प्रपोर्शन में नहीं, अलग अलग आ रहे हैं. यानी ए और बी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो और सी और डी को कन्वर्ट करके देखो, चार नंबर्स है ना, तो जिसके रेशो सेम आ रहे होंगे वो प्रपोर्शन में होगा, तो ए नहीं आ रहा है. ऐसे चेक करोगे बी, 5:11, 15:44, ये कैंसिल ही नहीं हो रहा और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी नहीं है प्रपोर्शन में, तो बी भी नहीं है. सी देखते हैं, सी ऑप्शन है आपका 3:5 और 15:25, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, इसको करो 3:5, ये भी 3:5 है, ये भी 3:5 है, सी मुझे प्रपोर्शन में मिल गया है, तो डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो आप एक बार कर सकते हो, सी इसका सही आंसर है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, एक पार्ट और आएगा और उसके क्वेश्चंस को हम सारे कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.